ये तो स्पॉन्टेनिटी है, मन में जो आया बोल दिया, ऐसे कोई सोच के नहीं बोला जाता। क्योंकि जिस हफ्ते मैं कैप्टन था उस हफ्ते एक भी झगड़ा नहीं हुआ। अगर घर वालों के हाथ में इविक्शन नहीं करना है तो फिर नॉमिनेशन का कोई मतलब नहीं है। दोस्त जो अचानक से दुश्मन बन गए वो इस अर्चना, सुम्बुल, सौंदर्या, मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस मुझसे बहुत ज्यादा प्यार कर। ओके सो हाय अंकित, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टेलीजस का, एंड हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे क्योंकि 2 मिलियन वेट्स अब क्रॉस हो चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही ज्यादा प्यार लोगों से मिला है, एंड बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, आई एम रियली थैंकफुल एंड रियली ग्रेटफुल। ओके, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था आपका बिग बॉस का, वो कैसा रहा, एंड कौन ऐसे दोस्त थे जो आपके अचानक से ही दुश्मन बन गए, या बिहेवियर में सर्टेन चेंज देखने को मिले? बिग बॉस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीजें सीखी, समझी लोगों के बारे में, लोगों के बिहेवियर के बारे में। और ऐसे दोस्त जो अचानक से दुश्मन बन गए वो इस अर्चना, सुम्बुल, सौंदर्या। ओके, तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि घर में कहीं ना कहीं आपका एविक्शन फेयर था, अनफेयर था, किस तरह से? मतलब क्योंकि इस बार पब्लिक के हाथ में नहीं था, क्योंकि वोटिंग लाइन्स बंद थी, ये हम पहले से ही देख चुके थे, तो किस तरीके का माहौल था? मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा अपना इविक्शन, बिकॉज ऐसा बहुत कम होता है, या पता नहीं हुआ है अभी तक कि नहीं हुआ है कि घर वालों के हाथ में इविक्शन छोड़ा जाए। अगर घर वालों के हाथ में इविक्शन नहीं करना है तो फिर नॉमिनेशन का कोई मतलब नहीं है, राइट? और ये हमेशा जनता करती है, तो थोड़ा सा अनफेयर लगा, क्योंकि अगर जनता करती तो शायद मैं इविक्ट नहीं होता इस हफ्ते। और इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगी, आपके कैप्टेंसी के दौरान बिग बॉस ने काफी ज्यादा दखल अंदाजी की कह सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इतना ज्यादा बिग बॉस को बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये मेरे हर मूवमेंट पे, हर हर चीज पे बिग बॉस की नजर थी। क्योंकि वो आपको बोलते रहते थे ना कि आलसी बन चुके हैं, पूरा घर आलस में आ रखा है, तो वो सारी चीजें भी हुई थी। मुझे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस हफ्ते मैं कैप्टन था उस हफ्ते एक भी झगड़ा नहीं हुआ। पर्सनली मेरे लिए वो बहुत अच्छा था, बाकी शो के लिए शायद थोड़ा सा हो सकता है कुछ कंटेंट नहीं मिला होगा या मुद्दा नहीं मिला होगा, तो हो सकता है इसलिए बिग बॉस ने बोला हो। ओके, अंकित आप इतना कम बोलते हैं, प्रियंका काफी ज्यादा मतलब मुद्दों में घुसती है, उनकी आवाज बुलंद है, तो वो हर जगह छाई हुई रहती है, तो कहीं आपको ऐसा लगा हो कि आप उनकी शैडो में रह रहे हो, जैसा घर वालों ने कहा? आवाज बुलंद होने से कुछ, या जिसकी आवाज कम है ऐसा नहीं होता कि वो दब जाते हैं। सबके अपने इंडिविजुअल थॉट्स होते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि कम आवाज में या प्यार से भी आप सामने रख सकते हो। और अगर ऐसा होता कि प्रियंका की आवाज के सामने मैं शेडो हो जाता या कुछ ऐसा, तो मुझे शायद ऑडियंस का इतना प्यार नहीं मिलता। इसी के साथ आपको वन लाइनर किंग का टैग भी दे दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात एक लाइन में खत्म करने की कोशिश करता हूँ। इसके पीछे कुछ वजह है आपकी कि ऐसा क्यों? मतलब ये तो स्पॉन्टेनिटी है, मन में जो आया बोल दिया, ऐसे कोई सोच के नहीं बोला जाता। ओके, आपके हिसाब से अगर इस हफ्ते आप नहीं निकलते, या फॉर एग्जांपल कोई और कंटेस्टेंट नॉमिनेशन में होता, तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो एविक्ट हो जाना चाहिए था अब तक? मेरे हिसाब से तो ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, ऐसे निमृत है, सुम्बुल है, एमसी स्टैन है, तो आई थिंक एटलीस्ट ये लोग तो मेरे से पहले विक्त हो जाने चाहिए थे। ओके, इन सब के अलावा साजिद खान ने आपका एविक्शन पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, उन्होंने कहा जब 25 लाख रुपए वाली बात हुई थी कि इस हफ्ते का स्क्रीन प्ले होगा, अंकित बाहर जाएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा यही कहना है कि चार लोग नॉमिनेटेड थे, विकास, श्रीजिता, मैं और टीना,
और क्योंकि विकास और श्रीजिता वाइल्ड कार्ड थे और अभी कुछ ही समय से घर में थे, तो हो सकता है ये सोचा गया हो कि इन लोगों को अभी थोड़ा और टाइम चाहिए घर के मुद्दों में इन्वॉल्व होने के लिए। और टीना को अगर जाना होता तो बिग बॉस से पहले दोबारा घर में नहीं लेके आते वापस। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद शायद साजिद सर को ऐसा लगा होगा कि अभी एक यही बचा है जो ना तो वाइल्ड कार्ड है ना ही जाके वापस आया है, तो इसीलिए शायद बोला होगा, क्योंकि घर के अंदर से हमें पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है, कौन कितना किसको प्यार मिल रहा है। Yes. तो शायद यही कैलकुलेशन के बेसिस पे बोला होगा। ओके आते आते यू नो आपकी और प्रियंका की केमिस्ट्री भी हमें ऑन स्क्रीन देखने को मिली, मतलब जो भी डांस हुआ था सलमान खान को आप लोगों ने जो भी बर्थडे डेडिकेट किया था, तो उस मोमेंट के बारे में क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि निकलने से जस्ट पहले वो मोमेंट हुआ फिर अचानक से एविक्शन हुआ? बिग बॉस ने पहले बड़ी खुशी दी प्रियंका को, माइक लैम कॉन्टेस्ट भी जिताया, फिर हमारा डांस, फिर उसके बाद एक झटके में वो खुशी छीन ली। यस यस अंकित, इसी के साथ रूमर्स कहे या न्यूज कहे वो ये भी है कि आपका नया शो गौतम के साथ आने वाला है, तो क्या कुछ आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे, क्या ये सही है या गलत है? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना ये न्यूज मेरी तरफ से आई है, तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि ये रूमर्स या ये बातें कौन फैला रहा है। ओके कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप प्रियंका को देना चाहेंगे क्योंकि फिलहाल वो घर में या आप देकर निकले होंगे? मैं आने से पहले प्रियंका को सिर्फ एक ही बात बोल के आया हूँ कि बी स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। सो सेम एडवाइस अभी भी बोलूंगा कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। ओके लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब क्या आपका नया प्रोजेक्ट कुछ आने वाला है, किस तरीके से हम आपको और भी ज्यादा देख सकते हैं? मैं सिर्फ अभी फिलहाल के लिए इतना ही बोलूंगा कि जितना प्यार और सपोर्ट आपने अभी तक दिया है उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और जो भी नई चीजें आएंगी आगे वो आपको पता चल जाएंगी। एंड लेट्स बिग बॉस का चैप्टर मेरे लिए यहाँ पे खत्म हो गया आफ्टर विक्शन, सो लेट्स ट्राई एंड मूव टू न्यू एंड बिगर थिंग्स नाउ। ओके वन लास्ट क्वेश्चन, वो ये कि बिग बॉस के घर के बाहर आप किन कंटेस्टेंट्स के साथ अपनी दोस्ती रखना पसंद करेंगे प्रियंका के अलावा? आई थिंक सिर्फ साजिद सर। ओके थैंक यू सो मच अंकित फॉर योर टाइम एंड वी होप ऑल द बेस्ट एंड जल्दी हम आपको कुछ नए अवतार में देख सके। थैंक यू सो मच।